नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बायस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में परीक्षाओं की जब भी बात होती है, आंदोलन धरना प्रदर्शन उससे अपने आप ही जुड़ जाते हैं। ऐसा ही जेएसएससी जेई के अभ्यर्थियों के साथ हुआ है। परीक्षा हुई, परीक्षा कई कई बार हुई, लेकिन नतीजा अभी तक नहीं आया है, जिसे लेकर अभ्यर्थी परेशान है। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि आखिर सरकार या जेएसएससी की तरफ से इतना बता दिया जाए कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि अभ्यर्थी ऐसे में न इधर के हो पा रहे हैं न उधर के हो पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, वाकई में अभ्यर्थियों के साथ आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति है, क्योंकि जब परीक्षा हो गई है, रिजल्ट नहीं आने से हम समझ सकते हैं कि क्या मुश्किल हालात होंगे। क्या कोई उनकी सुन रहा है कि नहीं, जब वो मांग लगातार कर रहे हैं तब? जी, झारखंड का दुर्भाग्य रहा है कि जब भी नियुक्ति प्रक्रिया होती है विवादों में ही रह जाती है, और ऐसा ही हुआ है। जेएसएससी की ओर से अब तक जितने भी विज्ञापन जारी हो रहे हैं उसमें कई त्रुटियां हैं, और इस त्रुटियों को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जो भी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा का परिणाम भी नहीं सामने आ रहा है, इसको भी लेकर अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। जेएसएससी की ओर से जेई की परीक्षा ली गई थी सितंबर अक्टूबर महीने में, लेकिन अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं, और ऐसा कैलेंडर के हिसाब से अगर माना जाए तो दिसंबर महीने में ही जो परिणाम है वो प्रकाशित हो जाते हैं, लेकिन अब तक परिणाम सामने नहीं आए हैं, जिस वजह से अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी परेशान है। आज जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए थे, धरना प्रदर्शन वहाँ बैठ कर कर रहे थे, और अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक जेएसएससी के अध्यक्ष यानी कि नीरज सिन्हा इनसे वार्ता करने के लिए नहीं आएंगे, ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, यानी कि धरना प्रदर्शन वहीं पर बैठ के करेंगे। एक तो राजधानी रांची में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और ऐसे में जेएसएससी कार्यालय जहाँ है वो शहर से बिल्कुल अलग है, और अभ्यर्थी 2400 जिलों से राजधानी रांची से जेएसएससी कार्यालय पहुंचे थे, और उनका यही कहना था कि हर बार वो लोग जेएसएससी कार्यालय आते हैं, अपनी परेशानी को यहाँ पर बताने आते हैं, लेकिन कभी भी अध्यक्ष नीरज सिन्हा इनसे मुलाकात नहीं करते हैं, या ना ही जो सचिव है वो इनसे मुलाकात करने के लिए बाहर आती है। साथ ही साथ इनका कहना था कि आज सचिव जरूर आई थी, यानी कि मधुमिता जी, लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि वो तुरंत आई, अभ्यर्थियों को देखी और वहाँ से चली गई। फिलहाल अभ्यर्थियों का ये कहना है कि मधुमिता जी लोगों से बात नहीं की, क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है उधर कि जब भी कोई अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं तो वो जरूर है, जो सचिव है मधुमिता जी उनसे मुलाकात कर अपनी परेशानी को बताते हैं, अगर अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि अध्यक्ष नहीं ही रहते, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि ना आज सचिव है ना ही अध्यक्ष है, तो हम लोग एसडी से नहीं मिलेंगे, क्योंकि अंदर से जो मौजूदा अंदर अधिकारी लोग थे उन लोगों का कहना था, बाहर वो लोग जरूर आए थे अभ्यर्थियों के लिए, जरूर वार्ता करने के लिए आए थे, उनका कहना था कि अगर वो एसडी मौजूद है, अगर आप लोगों को बातचीत करना है तो उनसे कर लीजिए, लेकिन अभ्यर्थियों ने तुरंत डिनाई किया। उनका कहना है कि 500 बार वो लोग वो एसडी से मिले हैं, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है, लिहाजा वो लोग सिर्फ अध्यक्ष से इस बार मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर जेएसएससी कार्यालय में लोग बैठे हुए थे, उनका यही कहना था कि अगर आज परिणाम को लेकर कोई भी बातें सामने नहीं आएगी, या फिर परिणाम प्रकाशित नहीं होगा, या फिर उसको लेकर डेट सामने नहीं आएगा, तो ये लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कई अभ्यर्थियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने अपना दर्द बयां करके कहा कि एक तो हम लोग डिप्लोमा या फिर बीटेक करने के लिए दूसरे स्टेट जाते हैं, और दूसरे स्टेट में पढ़ाई करके यहाँ पर आते हैं ताकि झारखंड में नौकरी मिल सके, जो नियुक्ति आ रही है उसमें कहीं ना कहीं उन्हें नियुक्ति पत्र मिल सके, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा है कि घर में तमाम लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आखिर नियुक्ति पत्र आएगा। अभ्यर्थियों ने एक इच्छा भी व्यक्त की है यहाँ पर उधर, उनका कहना है कि 26 जनवरी को उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, क्योंकि ठीक इससे पहले 29 दिसंबर को भी लगातार वो तस्वीर दिखा रहे थे, जब जो है कि अभ्यर्थी ऐतिहासिक मोरादी मैदान में तो ज़रूर पहुँचे थे, लेकिन उनका कहना था कि उनके कई साथी जो है उनके बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है, लेकिन इन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, ना ही परिणाम सामने आए हैं, लिहाजा अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। कई अभ्यर्थियों ने यह कहा कि अब आर्थिक रूप से वो पूरे तरीके से कमज़ोर हो गए हैं, और कहीं ना कहीं चंदा लेकर वो लोग जेएसएससी कार्यालय पहुंचे। मैंने आपको पहले ही कहा कि एक तो शहर से दूर है जेएसएससी कार्यालय, और ऐसे में अभ्यर्थी जब दूसरे जिले से रांची पहुंचते हैं तो एक तो मशक्कत करके उन्हें जेएसएससी कार्यालय जाना पड़ता है, और अभ्यर्थियों ने ये दावा किया है कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं, यानी कि जेएसएससी कार्यालय अध्यक्ष नहीं आते, और आज ऐसा ही हुआ, जो अंदर मौजूद अधिकारी थे उन्होंने बाहर आकर ये सूचना दी कि आज अध्यक्ष नहीं आएंगे, आप लोगों की जो भी परेशानी है वो एसडी सुनेंगे, आप उनको अपनी समस्या से अवगत कराइए, जो भी इस दिशा में पहल की जाएगी आपको आने वाले समय में बता दी जाएगी। लेकिन अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित थे, उनका यही कहना था कि हम लोग सिर्फ अध्यक्ष से मिलेंगे और हमें सिर्फ यही बताइए कि आखिर परिणाम प्रकाशित कब होंगे। आपको याद होगा उदय, इससे पहले भी पेपर लीक का मामला सामने आया था, जैसे जेई के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान थे, आंदोलन भी
देखने को मिला था राज्य में। इसके बाद जब नियोजन रीति राज्य में रद्द हुई, इसमें भी अभ्यर्थियों का जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई थी, उससे भी अभ्यर्थी काफी परेशान थे। अब जब परीक्षा हुई है तो परिणाम सामने नहीं आए और अभ्यर्थी इसको भी लेकर सिर्फ और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हमें अब नियुक्ति पत्र चाहिए, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने कई तख्ती लिए बैठे हुए थे। उनका यही कहना था कि यहाँ से हम लोग तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें ये नहीं बताया जाएगा कि परिणाम प्रकाशित कब होंगे। जी उदय, चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो झारखंड की ये विडंबना है कि पहले 2022 में परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, जेई अभ्यर्थी जमकर हंगामा करते हैं, फिर 2023 में परीक्षा होती है लेकिन फिर कुछ समस्या आ जाती है, नियोजन नीति रद्द होने की वजह से परीक्षा भी रद्द हो गई और अक्टूबर 2023 में फिर परीक्षा ली गई है और अब अभ्यर्थी बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम पास हैं या फेल, हमें रोजगार मिल रहा है या नहीं, सरकार बस इतना बता दे। लेकिन कहीं ना कहीं JSSC की तरफ से ये एक बड़ी कमी है जिसे लेकर लगातार आंदोलन की स्थिति बनी हुई है।